सर्विसेस विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है पैराक्सिमा सेंटोरी, एलियन जीवन की खोज। तो अभी हाल फिलहाल में एक सिग्नल प्राप्त हुआ है पैराक्सिमा सेंटोरी की तरफ से, तो ये माना जा रहा है और वैज्ञानिकों में ये काफी रोचक विषय है और ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि एलियन का सिंबल हो और एलियन द्वारा भेजा गया सिग्नल हो। अब हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों माना जा रहा है, क्या इससे पहले 1977 में जो वाव सिग्नल था उसी तरह तो ये नहीं है या उससे कुछ भिन्न है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये पैराक्सिमा सेंचुरी आखिर है क्या, और हम देखेंगे कि फिर अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी, ये और कौन कौन से स्टार्स हैं जो हमारे नियरेस्ट स्टार हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो लेकिन मैं आप लोगों को सभी को ये बता दूं कि आप लोग हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर जो लोग अंग्रेजी में जानना चाहते हैं, ये तो ये जो हमारा है पैराक्सिमा सेंचुरी भी एलियन जीवन की खोज, ये हमारा वीडियो इंग्लिश में ऑलरेडी बन चुका है। तो जो भी अब हमारे हिंदी वीडियो है वो पहले ही अंग्रेजी में उपलब्ध है, यानी कि 45 वीडियो का जो सेट मैंने आप लोगों को बताया था वो इंग्लिश में उपलब्ध हो चुका है। अब हिंदी में भी जल्द ही हो जाएगा, हम समझते हैं कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका 45 सेट ये हो जाएगा, यानी आपका अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में रिवीजन है, अक्टूबर में आपका एग्जाम है। तो ये 45 से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली तौर पे पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम जिन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेंगे कौन कौन से बिंदु है। तो इसमें हम लोग देखेंगे रहस्यमय रेडियो संकेत, ये रहस्यमय रेडियो संकेत क्या था, कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट 1 कहा जाता है, यानी एक परियोजना थी जिसको कहा जाता है कि ब्रेक थ्रो लिसन प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसी प्रोजेक्ट के तहत ये BLC यानी ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट 1 ये पहला खोज है, तो देखेंगे कि ये इसको अलग क्यों माना जा रहा है। उसी तरह देखेंगे कि अगर ये माना जा रहा है कि ये अलग सी सिग्नेचर था, मतलब अलग सिंबल था, तो ये क्या ये एक एलियन सिग्नेचर है या इसको एलियन टेक्नो सिग्नेचर कहते हैं, हो सकता है कि वो सभ्यता विकसित हो और वो काफ़ी विकसित हो और उन्होंने हमें एक संकेत भेजा, रेडियो संकेत भेजा अर्थ पे, तो क्या यह एक एलियन टेक्नो सिग्नेचर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैराक्सिमा सेंचुरी में रुचि क्यों है वैज्ञानिकों का, आखिर ऐसा क्या है कि पैराक्सिमा सेंचुरी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक संस्था, इवन के जो आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंस और उसके साथी मिलके इसमें 100 मिलियन डॉलर लगा चुके हैं कि एलियन की खोज के लिए, और उसमें सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडिडेट है वो पैराक्सिमा सेंचुरी है, तो क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह हम लोग देखेंगे सेटी क्या, आप लोग सुने होंगे सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी जो लौकिक यानी हमारे पृथ्वी से बाहर कोई अगर बुद्धिमत्तापूर्ण सभ्यता है तो उसके बारे में, तो इसी उसके बारे में देखेंगे कि ये सेटी है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे कि हम बताते ही हैं कि हमारे हर वीडियो में आपको एनिमेशन मिलेगा, चूंकि एनिमेशन से आप क्लियर जानेंगे कि ये जो हम आपको दे रहे हैं ये कहाँ पब्लिश हुआ था, ये रिसर्च कहाँ हुआ था, तो ये द गार्डियन UK में पब्लिश हुआ था, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे और इसका एनिमेशन भी आपको दिखाएंगे, पैराक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, ये सब दिखाएंगे। उसके बाद ही आगे हम लोग चलते हैं, ये समाप्त हो गया और इसके बाद हम चलते हैं अपने विषय की ओर, जो विषय है हमारा पैराक्सिमा सेंचुरी एलियन जीवन की खोज। लेकिन आप सभी से फिर से गुजारिश है, फिर से ये है कि हमारा सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो इस तरह तो नहीं लगता है कि हमको जल्दी ही 500 पूरेगा या 500 होगा, तो इसीलिए जो भी है हम देख रहे हैं कि कुछ कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि सर शॉर्ट वीडियो जल्द दीजिए, तो डेफिनेटली बात है मैं जल्दी शॉर्ट वीडियो देने वाला हूँ और शॉर्ट वीडियो उसके बाद ज्योग्राफी NCERT सीरीज भी हमारा होगा। ये हमारा जैसा ही खत्म होगा उसके बाद भूगोल का NCERT सीरीज हिंदी में होगा, वो तकरीबन 10 वीडियो होगा, तो इसके जस्ट बाद ही होगा। लेकिन आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है कि आप लोग को ये मुफ्त में क्लास दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप लोग जितने भी YouTube चैनल हैं जहाँ भी आपको लग रहा हो
के पॉसिबल कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, अदर कंपटेटिव एग्जामिनेशन की, तो उनको आप लोग कहें कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, आज के विषय की ओर चलते हैं और विषय में देखते हैं कि आखिर ये न्यूज है क्या। तो एलियन जीवन की तलाश के लिए दुनिया में सबसे बड़ी पहल, जैसे कि मैंने बताया था $100 मिलियन लगाया है वाले खगोलविदों ने हाल ही में हमारे सूर्य के सबसे करीबी तारे, ये पैरोक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूरज के सबसे नज़दीकी तारे में की दिशा में एक पेचीदा रेडियो तरंग उत्सर्जन को रिकॉर्ड किया है। ये काफ़ी रिकॉर्ड किया गया और ये जो पब्लिश हुआ था, जैसे कि मैंने बताया द गार्जियन यूके में ये पब्लिश हुआ था, तो ये द गार्जियन यूके में पब्लिश हुआ है। अगर हम देखें तो इस खबर ने, ये खबर ने सनसनी फैला दी और पैरोक्सिमा सेंचुरी में फिर नए सिरे से दिलचस्पी लोगों की जगी, रुचि जगी। और जिसने एक ग्रह के बारे में, ऐसा है कि इसमें माना जा रहा है कि जो पैरोक्सिमा सेंचुरी है इसका एक ऐसा ग्रह है पैरोक्सिमा सेंचुरी बी जहां रहने योग्य क्षेत्र है, यानी कि हैबिटेबल जोन में वो है, यानी जहां रहने योग्य है। और इस संभावना को ये जन्म देता है कि हो सकता है कि वहाँ जीवन हो, जीवन बनाए रखा हो। इवन बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यहाँ विकसित सभ्यता भी हो सकती है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी में, तो रहस्यमय रेडियो संकेत, तो अब उस विकसित सभ्यता से हो सकता है कि ये रहस्यमय रेडियो संकेत आया। तो रहस्यमय रेडियो संकेत आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग देखें। तो जैसा कि मैंने बताया कि $100 मिलियन से ब्रेक थ्रो लिसन प्रोजेक्ट, यानी ब्रेक थ्रो लिसन प्रोजेक्ट में खगोलविदों ने, मतलब कई खगोलविद उसमें प्रसिद्ध आपके स्टीफन हॉकिंस थे, द्वारा शुरू किया गया था और यह नियमित रूप से ऑब्जर्व करता है इस तरह से। तो शक्तिशाली, यानी दो शक्तिशाली दूरबीन, एक तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो पार्क रेडियो वेदशाला है, पार्क्स रेडियो वेदशाला, और दूसरा अमेरिका में ग्रीन बैंक वेदशाला। ये दोनों जो है सो इसको रिकॉर्ड कर रहा है कि क्या कोई एलियन है। और अभी तक इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए, लेकिन आप देखेंगे, लेकिन इसको जो खर्च, जैसे कि मैंने बताया कि $100 मिलियन, तो इसमें है स्टीफन हॉकिंस, आप जानते ही हैं जो भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या जो पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, या जो भी इसमें है वो उतने अमीर नहीं होते हैं जो $100 मिलियन दे, उसमें बिजनेसमैन को आना पड़ता है। तो अगर उनका कोई भी वैज्ञानिक हो, कोई भी आपको पढ़ाने वाले टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो उनको अगर कोई चीज़ की खोज की ज़रूरत होती है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फंड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनके सोच में, उनके रिसर्च में कहीं कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना हो। और ये आप जानते हैं कि अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब जगह पे ना, ताकि मैं खुद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊं अपने चैनल पे, और फिर आप लोगों को जितने भी जानकारियां हैं वो सब आपको मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। इवन कुछ स्टूडेंट ने ये भी मांग किया था कि सर अगर आप ये जो दे रहे हैं इसका PDF अगर आपको हो तो आप दें। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं या अन्य चीज़ लेना चाहते हैं, तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ ये सारा मटेरियल हमारे ब्लॉग पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जूम क्लास में भी आप शामिल हो सकते हैं, आप हमारे ऑनलाइन क्लास में भी शामिल हो सकते हैं जिसमें हम मटेरियल भी देते हैं स्टूडेंट को, तो ये आप शामिल हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्री मैपिंग क्लास होगा उसमें 500 सब्सक्रिप्शन, तो अभी भी हमारा 500 सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्रिप्शन करें। तो इसी में जो मैंने बताया कि स्टीफन हॉकिंस थे, ये 2015 में ये शुरू किया गया, और इसी के साथ एक रूसी अरबपति जो थे जिनका नाम था यूरी मिलनर ने ब्रेक थ्रो लिसन नामक ये प्रोजेक्ट को किया था, और ये अच्छी तरह से वित्त पोषित था। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा लगाया जाता है तो लोगों को काम करने में भी आसानी होती है और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो सोचता नहीं है कि हम, हमारा रहने का खर्चा बच्चा कहाँ से चलेगा। तो इसीलिए इसमें ये काफ़ी आगे की बात हुई। तो इसी में देखेंगे तो अब तक जो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया 2015 से लेके 2020 तक, जब तक ये ब्रेक थ्रो वन BLC 1 नहीं रिकॉर्ड किया गया, तब तक या तो ये तो नेचुरल होता था या मानव निर्मित होता था। जैसे कि आप मानव भी बहुत सारे तरंगे छोड़ते हैं जिसमें आपका सेटेलाइट का आता है रेडियो तरंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का
जो वायुयान का कंट्रोल होता है उसका आता है, उसी तरह से जो रेडियो ब्रस्ट होता है अंतरिक्ष में, जैसे कि मैंने बताया था पल्सर के बारे में, लगातार रेडियो ब्रस्ट होता रहता है, तो वो सब ही था लगभग अभी तक। ये कोई इस तरह का ब्रेक थ्रो नहीं हुआ था जो आपको रहस्य में कोई नहीं मिला था, लेकिन ये था। तो अब ये जो था इसके बारे में हम लोग देखें तो इसका नाम उन्होंने दिया ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट, क्योंकि ये यूनिक था। अब ये यूनिक क्यों था? क्योंकि ये ना तो मानव द्वारा निर्मित था ना ही प्राकृतिक में था। असल प्राकृतिक में जो विस्फोट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सुपरनोवा विस्फोट हो गया, या ब्लैक होल से भी रेडियो ब्रस्ट निकलता है, या आप देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन स्टार या आप पल्सर जो होता है उससे भी रेडियो तरंगे निकलता है, लेकिन यहाँ जो रेडियो तरंगे निकलता है ये काफ़ी बड़ी मिकदार में निकलता है, काफ़ी तेजी से निकलता है वो, और जो हम लोग मानव छोड़ते हैं वो अलग होता है। तो मानव का और हमारा जो नेचुरल होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन ये जो था वो दोनों से हटके था इसकी फ्रिक्वेंसी। तो जो दोनों से हटके था इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये ना तो प्राकृतिक होता है ना मानव, तो इसका मतलब है कोई एलियन सभ्यता है, तो इसीलिए इसका नाम ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट दिया गया। तो अभी तक जो हुआ था उसके विपरीत ये बीम जो था ये कहाँ से उठाया गया था, कहाँ से आ रहा था? ये पायरोक्सिमा सेंचुरी की तरफ से आ रहा था, जिसे BLC-1 नाम दिया गया, या इसको ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें दो दिलचस्प बातें सामने आई। कौन दो दिलचस्पी थी? नंबर एक, सबसे पहले इसकी आवृत्ति जो थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो 982 मेगाहर्ट्ज थी, जो एक संकीर्ण बैंड यानी नैरो बैंड वैल्यू है, संकीर्ण बैंड मूल्य है, जो मानव निर्मित अंतरिक्ष यान या उपग्रह द्वारा नहीं भेजा जाता है, जो प्रेषित किया जाता है नहीं भेजा जाता है, और न ही कोई प्राकृतिक घटना, जो मैंने बताया था कि जो खगोलीय में आउटब्रस्ट होता रहता है वो भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये आखिर था क्या? तो डेफिनेटली ये आपको ये डेफिनेटली हो सकता है कि एलियन कैंडिडेट था, इसकी खोज की और जरूरत है। तो दूसरा जो है, एक तो ये था कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं था ना मानव निर्मित था, तो इसका मतलब एलियन था। दूसरी बात इसमें जो बताई गई वो था कि ये अस्पष्ट बदलाव जो था वो इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो ग्रह की गति की दिशा के अनुरूप, जो हमारे पृथ्वी उसी की तरफ लगातार निरंतर मिल रहा था, यानी आप देखेंगे लगातार 3 घंटा तक मिला। इससे पहले जब हम देखते हैं वाव सिग्नल है वो सिर्फ 72 सेकेंड तक रहा, कुछ सेकेंड तक रहता है, वो उतना रहता भी नहीं, लेकिन ये लगातार 3 घंटा तक रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इस वजह से इसको BLC-1 नाम दिया गया, ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट, और ये काफी इसलिए इसको महत्वपूर्ण बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या था? तो ये हो सकता है कि एक एलियन टेक्नो सिग्नेचर था, क्योंकि जब ये सब कोई क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था तो हो सकता है कि कोई एलियन हमें संकेत भेज रहा था। अब ये क्या था इसके बारे में देखें तो यह संभावना को बढ़ाता है कि ये जो उत्सर्जन था वो तकनीकी हो सकता है, यानी टेक्निकली वो भेज रहा होगा। इसका अर्थ ये है कि एलियन प्रौद्योगिकी का ये प्रमाण होगा, यानी ये एक सबूत दे रहा है कि एलियन है, एलियन है। और ये बात स्टीफन हॉकिंग्स भी मानते हैं कि एलियन है। और वैज्ञानिकों ने अब इसमें देखेंगे कि अमरीकी वैज्ञानिकों ने ETI के कुछ उसका कहना है कि ये अमरीकी वैज्ञानिकों के अनुसार ETI यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने इसको उत्पन्न किया है, या हो सकता है कि उसने किया होगा, इसीलिए इसको जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उत्पन्न किया जाता है तो उसको वैज्ञानिक लोग बोलते हैं एलियन टेक्नो सिग्नेचर। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोग जान लीजिए, फिर आप लोग शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखेंगे, हम समझते हैं, और इसको आप जरूर शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करें, और शेयर करने के साथ ही अपने दोस्तों को बताएं कि इसको आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे देखते हैं कि पायरोक्सिमा सेंचुरी में रुचि क्यों हो रहा है, ये वैज्ञानिक लोग रुचि क्यों इतना दिखा रहे हैं। तो असल बात यह है कि जो पायरोक्सिमा सेंचुरी है वो हमारा सूर्य से सबसे नजदीकी तारा है। मान लीजिए कि कभी भविष्य में 2050, 2060 या 2100 के बाद हम एक ऐसा यान बनाने में कामयाब हो गए जो लाइट की रफ्तार में चलता हो, तो हम प्रकाश, मतलब जो पायरोक्सिमा सेंचुरी है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ तो 4.2 साल यानी 4 साल में जा सकते हैं, वहाँ जाके हम देख सकते हैं। तो ये इसीलिए खगोलीय शब्द में कहा जाए, यानी आप एस्ट्रोनॉमिकल शब्द में कहें तो ये काफ़ी करीबी दूरी है, चूँकि हम लोग जब सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करते हैं तो वो आपको बिलियंस लाइट ईयर दूर होता है।
तो इसीलिए उस हिसाब से आप देखें कि बिलियंस लाइट ईयर के अलावा ये 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका द्रव्यमान जो है सूरज का 1/8 यानी आठवां हिस्सा है, और ये काफी डीम दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो आप जो पैरोक्सिमा सेंचुरी को देखेंगे तो ये काफी मंद दिखता है। हालांकि इसके जो साथ में दो हमारे जो नियरेस्ट तारे हैं, पैरोक्सिमा सेंचुरी सबसे नियरेस्ट है, उसके बाद जो नियरेस्ट है वो है अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी। तो अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देता है, वो हम लोग देखेंगे एनिमेशन में भी देखेंगे, लेकिन ये जो है वो हल्का मंद यानी थोड़ा सा डिम दिखता है ये पैरोक्सिमा बी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो महत्वपूर्ण जिज्ञासा इसलिए पैरोक्सिमा बी के बारे में है, तो इसी ग्रह यानी पैरोक्सिमा सेंचुरी जो है उसी का चक्कर लगा रहा है पैरोक्सिमा बी। तो इसमें दो ग्रह, एक तो बी है एक सी है, जो तारे के ओर घूमता है। और ये देखें तो ये लगभग पृथ्वी से 1.2 यानी थोड़ा सा बड़ा है, और ये 11 दिन में अपने तारे की परिक्रमा करता है। अगर हम देखें तो इसका जो घूमने का जो ये है मदार है, या आप इसको कह लें कि जो ऑर्बिट है उस तारे को घूमने का, वो आपको जो है सो काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 11 दिन में घूम सकता है, 11 दिन में ही घूम लेता है, यानी आप ये समझिए कि मरकरी से भी काफ़ी कम है, हम लोग एलिमेशन में देखेंगे। और खासियत ये है कि ये जो पैरोक्सिमा सेंचुरी स्टार है उसके ये गोल्डी लॉक जोन में स्थित है। इसका अर्थ है, अब गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, तो इसका अर्थ ये देखिए कि ये गोल्डी लॉक जोन का अर्थ ये होता है कि ये तारे के आसपास में जिस सतह पे मौजूद है वहां जो पानी होगा या वहां जो रहने योग्य होगा, न तो ज्यादा ठंडा होगा न तो ज्यादा गर्म होगा, यानी वो जीवन के लिए उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी भी गोल्डी लॉक जोन में मौजूद है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो गोल्डी लॉक जोन में मौजूद है। तो आखिर ये गोल्डी लॉक जोन क्यों नाम रखा गया, इसको हैबिटेबल जोन क्यों नहीं नाम रखा? तो जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीजें अंग्रेजी किस्सा से लिया जाता है, हमारे भी यहाँ होता तो हो सकता है हमारे हिंदी के कोई किस्सा से लिया जाता। तो ये गोल्डी लॉक्स का एक किस्सा है, गोल्डी लॉक्स एंड थ्री बियर यानी गोल्डी लॉक्स और उसके तीन भालू। तो वो गोल्डी लॉक्स एक लड़की रहती है, वो जंगल में चले जाती है। अब वो जंगल में जाती है तो वहाँ एक वो एक भालू है, तीन भालू उसके यहाँ चले जाते हैं, एक पापा बियर रहता है, मम्मी बियर और बच्चा बियर रहता है। तो उसका एक दिखता है खाना काफ़ी गर्म होता है, एक काफ़ी ठंडा होता है, और जो बेबी बियर के रहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। तो वो हर जगह ऐसे ही जाता है, तो उस हिसाब से ही उसी कार्टून उसी किस्से के आधार पर इसका नाम गोल्डी लॉक रख दिया, कि वो गोल्डी लॉक को जहाँ अच्छा मिला है बेटे, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा वहाँ हुआ, तो वैज्ञानिक वहीं से लिया और यहाँ चिपका दिया, तो ये गोल्डी लॉक जोन कहलाने लगा। तो इसीलिए इसको गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है, और हमारा जो पृथ्वी है वो गोल्डी लॉक जोन में। लेकिन ध्यान रहे हमेशा कि गोल्डी लॉक जोन में रहने का मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ आपको हैबिटेबल हो सकता है या लाइफ हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा सूर्य का जो गोल्डी लॉक जोन में पृथ्वी ही नहीं है, मंगल ग्रह भी है और वेनस भी है, लेकिन वेनस में तो 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, उसकी ग्रेविटी कैसी है, क्या वहाँ काफ़ी टेम्परेचर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से तो नहीं हो रहा है? अगर इंटरनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गोल्डी लॉक जोन में होने के बावजूद भी वहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं वेनस में नहीं है, तो वेनस भी गोल्डी लॉक जोन में है, मार्स भी गोल्डी लॉक जोन में है, हमारी पृथ्वी भी है, तो मार्स में चूंकि थिन एटमोसफेयर है तो, और वेनस में काफ़ी थिक एटमोसफेयर है, तो एटमॉस्फेयर भी बहुत योगदान करता है, फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, तो कई चीज़ें इसमें काम करती है। तो ये सारी चीज़ों को विस्तृत पूर्वक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शॉर्ट वीडियो तो हम देंगे ही देंगे, और आप हमारे जूम क्लास भी ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैपिंग क्लास तो फ्री है, लेकिन जूम क्लास में भी अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फ़ी हम लोग लेते हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं होता है, तो नॉमिनल फी के साथ आपको हम पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी में सेटी क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब अलौकिक बुद्धिमत्ता जो होता है, जो कोई इंटेलिजेंस है जो हमसे बियॉन्ड है, अर्थ से बियॉन्ड है, तो उस सेटी, सेटी का जो फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो देखिए इसको
उन्नत अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज, अगर हिंदी में इसको हम कहें सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस को, तो इसमें है कि बुद्धिमान अलौकिक जो हमारे पृथ्वी से बाहर है बुद्धिमान जीवन के लिए वैज्ञानिक खोज रहे हैं। इस वैज्ञानिक में हमारे स्टीफन हॉकिंस भी शामिल है, और इसको आप सामूहिक शब्द में यूज किया जाता है, यानी एक कॉमन टर्म में सेटी सेटी यूज किया जाता है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए अन्य ग्रह पे अगर कोई सभ्यता है और वो तकनीक रूप से काफी विकसित है, तो वो अपना विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज सकता है, हो सकता है कि उस वेव को जो भेजता है और उस वेव की निगरानी पृथ्वी पर। तो अब हम पृथ्वी पर जानते हैं कि हम लोग भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं, मोबाइल है, सारी चीजें हैं, ढेर सारे सेटेलाइट्स हैं, तो फिर इसमें हमारा एलियन को खोजना बहुत ही दुश्वार, बहुत ही नामुमकिन हो रहा है। तो इसको फिर कैसे खोज सकते हैं? तो या तो फिर जैसे कि हमने बताया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 में जाएगा। अब L2 L1 ये क्या है, ये मैंने बता चुका मैं ये मैं बता चुका हूँ हमारे इंग्लिश वीडियो में मैं, और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वो इस सारी चीजें। उसी तरह से एक जगह और है, वो है आपका फार साइड ऑफ मून, वहां भी अगर हम टेलीस्कोप करें तो वहां पृथ्वी से कम डिस्टेंस वहां भी होगा। तो चलिए आगे एनिमेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन। तो ये जो एनिमेशन है, ये देखिए ये एनिमेशन, तो यहां से आपका पायरोक्सिमा सेंचुरी से ये आया सिग्नल, और इसको इन्होंने पार्क्स टेलीस्कोप जो था इसको इन्होंने लिया, और ये जो छपा था वो आपको गार्जियन में छपा था, जैसे कि मैंने बताया द गार्जियन यूपी। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि मैं आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ काफी ऑथेंटिक सोर्सेस से देता हूँ, आप लोग जाके पढ़ें, गार्जियन पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, ये सब आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं, आप लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे सारी चीजें, तो इसको आप टीचर पे छोड़ दो और टीचर के साथ आप सिंसियर रूप से जुड़े हैं। अगर आप सिंसियर रूप से टीचर के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पीटी को कोई रोक नहीं सकता, चूंकि यही बियॉन्ड से बियॉन्ड द क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये देखिए, तो यहीं से ये सिग्नल आ रहा था, और ये जो आ रहा था वो आपको पायरोक्सिमा सेंचुरी से DLC जिसको ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट कहा जाता था, तो यहां से आ रहा था, और ये जो घिरा हुआ था। तो अब क्या ये जो एक वाव सिग्नल था, जो आपको वाव सिग्नल आपको कब डिटेक्ट किया गया था, ये आपको 15 अगस्त 1977 में, यानी 15 अगस्त 1977 में ये जो है वाव सिग्नल दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये चूंकि ये सिर्फ जैसे कि मैंने बताया 72 सेकंड के लिए ही था, शॉर्ट था, तो हो सकता है कि कुछ एनोमली हुआ होगा कहीं लिजन, तो ये उतना सिग्नेचर नहीं था। लेकिन अभी जो BLC 1 मिला ये तो लगातार आ रहा था, तो देखें BLC में क्या खासियत है। तो ये देखिए, अब ये BLC का जो था इसका एक स्पेसिफिक जो था 982 MHz, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उसी तरह ये 3 घंटे तक लगातार पृथ्वी के दिशा पायरोक्सिमा सेंचुरी की ओर से सिग्नल दे रहा, तो इसलिए BLC या ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट कहा जाता है। तो ये इसको माना जा रहा है कि ये आपको एलियन टेक्नोसिग्नेचर हो सकता है। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये जैसे कि मैंने बताया कि आर्क 16, यानी उसको एक आर्क आप देखें उसके तरफ जिसमें आपको पायरोक्सिमा सेंचुरी भी है, एल्फा सेंचुरी ए भी है, ए और बी दोनों है। तो ये देखिए अगर इसको और हम इनलार्ज करके देखें, ये देखिए ये आपका, और ये पार्क्स टेलीस्कोप ने इसको किया था, ये देखिए ये पायरोक्सिमा सेंचुरी है, और ये अब आपको आर्क दिखा, ये देखिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपको अल्फा सेंचुरी ए और बी है, और ये क्या है पायरोक्सिमा सेंचुरी है। तो जब ये पायरोक्सिमा सेंचुरी की खोज हुई थी तो ये अल्फा सेंचुरी जो है सेंचुरी, तो अल्फा सेंचुरी ए बी और इसका नाम अल्फा सेंचुरी सी दिया गया था। बाद में माना गया कि नहीं इसको थोड़ा सा चूंकि अल्फा सेंचुरी से थोड़ा सा दूर है और उसकी खासियत भी उससे जैसे कि मैंने बताया 1/8 है, और ये पायरोक्सिमा सेंचुरी ए और बी जो है ये लगभग सूरज के मास के बराबर है। तो अब आप इसको इस तरह से समझें कि ये जो है आपका इसका तब पायरोक्सिमा सेंचुरी यानी अप्रोक्सीमेट दिया कि सेंचुरी, जिस तरह से अल्फा सेंचुरी ए अल्फा सेंचुरी बी बोला कि ये अप्रोक्सीमेट, तो इसको अल्फा सेंचुरी सी भी कहा जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखिए, और ये पायरोक्सिमा सेंचुरी भी कहा जाता है, यानी पायरोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी एक ही है। तो चलिए आगे
देखिए, तो ये जो है आपको, ये एक जैसे कि मैंने बताया, ये आपको अब यहां देखिए, ये अल्फा सेंचुरी ए और बी है, और ये पायरक्सिमा सेंचुरी, ये पायरक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए भी है, ये दो जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसी के मदार में ये आपको जो है वो आपको पायरक्सिमा सेंचुरी बी है, यही जो प्लेनेट है, ये लगभग पृथ्वी की तरह ऐसा है कि माना जा रहा है कि ये जो है एक्सोप्लेनेट, ये एक तो बात है कि ये जो एक्सोप्लेनेट है ये पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट एक्सोप्लेनेट है। तो चलिए देखें इसको हम लोग, तो ये देखिए अगर इसको हम ये देखें तो ये जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए ये सन है हमारा, और सन का जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है वो मरकरी है, तो मरकरी का ऑर्बिट देखिए, और ये सन से क्या है 1/8 टाइम्स जो है सो स्मॉल, छोटा है, तो एक तो रेड ड्वार्फ है, ये लाल मतलब एक मध्यम तारा है, और इसीलिए इसका जो गोल्डीलॉक्स जोन है वो यहीं पे है, और यही गोल्डीलॉक्स जोन में ये पायरोक्सिमा बी है, और ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये इसको हैबिटेबल जोन आपको कहा जाता है, और ये जो है ये अपने तारे का जो है ये जो पूरा चक्कर है वो सिर्फ 11 दिन में, लगभग 11 दिन में ये चक्कर ये पूरा कर लेता है। तो ये पैरोक्सिमा बी, ये अब ये लगभग ऐसा माना जा रहा है कि ये पृथ्वी से मिलता जुलता है, पृथ्वी से 1.2 टाइम्स बड़ा है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो पृथ्वी से बहुत हद तक मिलते मिलता जुलता। आप अगर हम देखेंगे इसका सरफेस, जैसा कि आर्टिस्ट इंप्रेशन है, लेकिन जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस पे आप अगर जाएंगे, अगर फ्यूचर में आप जाने, अगर मानव जा सका, तो ये देखिए ये आपका है पायरोक्सिमा सेंचुरी स्टार, पायरोक्सिमा सेंचुरी, और ये है आपको अल्फा सेंचुरी ए बी, ये दोनों, ये ए और ये बी, ये अल्फा सेंचुरी, ये तो आपको 3 स्टार आपको यहाँ दिखाई देगा, 3 सूर्य आपको दिखाई देगा, यहाँ से 2 सूर्य दूर में, 1 सूर्य नजदीक में आपको दिखाई देगा, अगर आप जा पा मतलब अगर मानव जा पाया भविष्य में। तो अब यहाँ दो स्थितियां हो सकती है, अभी तक वैज्ञानिकों ने तो इसके डेटा के लगभग पृथ्वी की तरह है, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो सका है कि ये या तो पृथ्वी की तरह अपने दूरी पे 24 घंटे में घूमती है या लगातार घूमती रहती है, या फिर जिस तरह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमारे पृथ्वी की तरफ होता है उसको कहते हैं टाइडियल लॉक, तो क्या उसी तरह टाइडियल लॉक हो सकता है? तो अगर ये पृथ्वी की तरह घूमती होगी ऐसी स्थिति में, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो स्मूथर होगा और ये रहने योग्य हो सकता है। जैसे ये देखिए 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो ये आप देखिए अब यहाँ आपको लग रहा है कि ये 15 से 20 डिग्री, तो काफी अच्छा टेम्परेचर है, ये इक्वेटर के पास आप रह सकते हैं, और ये माइनस में तो ये बिल्कुल अर्थ की तरह लग रहा है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि अगर ये टाइडियल लॉक हो, तो ये तो हो गया एक, ये देखिए ये टाइडियल लॉक हो तब तो एक ही तरफ सूरज की रोशनी पड़ेगी, यानी जो इसका तारा है उसकी रोशनी पड़ेगी, तो वहां हमेशा गर्मी होगा, हमेशा ये होगा, और दूसरी तरफ अत्यंत सर्दी हो सकता है, तो दो स्थितियां इसमें हो सकती है, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, सिद्ध होगा पता चलेगा आप लोगों को, आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहे, हम आपको डे टू डे अपडेट भी करते रहेंगे। तो ये देखिए ये आपका पारक्सिमा सेंचुरी, तो ये काफी नजदीक है, जैसा कि मैंने बताया 0.048 AE, AE मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी हमारे पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसको कहा जाता है, और ये पारक्सिमा सेंचुरी सी है, ये देखिए पारक्सिमा सेंचुरी सी, ये है आपका। तो ये अब फ्यूचर में इन्होंने एक एरी बनाया है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पार्क्स है उसके अलावा भी कई है जो इस ब्रेक थ्रो लिसन प्रोजेक्ट में शामिल है, तो इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का आपका देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट चीज हो सकता है जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और ये जल्द ही बनने वाला है, उसका नाम है LCRT यानी लूनर क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप बनने वाला है, ये तकरीबन जो चांद के फार साइड में, यानी जो लूनर का फार साइड, ये देखिए अभी हमारा अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे नॉइज हैं, आप जानते ही हैं हमारा सेटेलाइट जो है सो सिग्नल बहुत सारे भेजते रहते हैं, तो यहाँ आपको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, तो चांद का फार साइड जो है जो हमेशा अर्थ से पीछे ही रहता है, तो वहाँ अर्थ का बहुत कम आपका डिस्टरबेंस होता है, तो
तो यहाँ आपको एकदम आप सही समझिए, यहाँ आप समझिए कि अगर ये रिसीवर इस तरह से लगाया जाएगा तो जो फार साइड ऑफ मून है तो वहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण तरीके से आपको मतलब एलियन का सिग्नेचर मिल सकता है, और ये जो एलियन का सिग्नेचर होगा वो काफी ऑथेंटिक होगा, और ये हो सकता है कि इन फ्यूचर में हमारे वैज्ञानिक इसको ढूंढने में कामयाब हो सके। तो ये है, ये देखिए ये हमारा अर्थ है और ये फार साइड मून है। इसको हम लोग कभी नहीं देख पाते, हम लोग जो देखते हैं एक ही साइड मून को देखते हैं। तो यानी अब यहाँ पे आप हैं मौजूद तो आप इस साइड देखेंगे, इस साइड तो आप देखेंगे नहीं, तो ये फार साइड ऑफ मून है, इसको हम लोग कभी नहीं देखते हैं। तो ये था पाराक्सिमा सेंचुरी बी का एनिमेशन, हमने देखा कि इसमें किस तरह से आप मतलब ये काफी क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे जो यूपीएससी के लिए इसे क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैज्ञानिक ने प्रोक्सिमा सेंचुरी की दिशा से भीम को उठाया जिसे BLC-1 नाम दिया गया है, यानी ये जो खोजा गया। नंबर एक। नंबर दो, पाराक्सिमा सेंचुरी सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर तीन, अल्फा सेंचुरी सी पाराक्सिमा सेंचुरी से 8 गुना बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया था कि अल्फा सेंचुरी ए भी लगभग जो है वो सूर्य के समान ही है, और ये पाराक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य से 8 गुना 1/8 टाइम छोटा है पाराक्सिमा सेंचुरी। और तो देखिए उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सही है? आपका चॉइस ए है केवल एक, चॉइस बी एक और दो, चॉइस सी एक और तीन, चॉइस डी उपरोक्त सभी। तो आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। जितने भी 45 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको रहेंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 8 से 10 तो मैं गारंटी देता हूं आपका होगा ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर पे। तो पिछले प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम लोग। पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। बर्फ का पिघलना प्रत्यक्ष रूप से समुद्र के स्तर में वृद्धि करता है? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं करता, इनडायरेक्ट वे में करता है। वो हमने बताया था कैसे इनडायरेक्ट वे में करता है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जो एल्विडो है उस एरिया का कम हो जाएगा, बर्फ रहेगा तो 90% होगा और बर्फ नहीं रहेगा तो वो फिर 40% पे आ जाए। तो ये देखिए उसी तरह से दूसरा था, नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि भारत के मुंबई, चीन के शंघाई, थाईलैंड के बैंकॉक जैसे प्रमुख शहर अगले 30 वर्षों में जलमग्न हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, ये जो क्लाइमेट सेंट्रल रिपोर्ट जो यूएस का आया था उसमें ये चेतावनी दी गई थी, तो ये नया अध्ययन था, तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो अब आप देखिए इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सही है? ए केवल एक गलत है, केवल दो बिल्कुल सही होगा, एक और दो दोनों ये भी गलत होगा, और ना ही एक ना ही दो। तो अब आप देखें यहाँ पे केवल एक गलत है, केवल दो बिल्कुल सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर इसका आपका हो गया बी, आंसर आपका इसका हो गया, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का विषय, पाराक्सिमा सेंचुरी एलियन जीवन की खोज। तो हमने देखा कि ये जो BLC-1 या ब्रेक थ्रो लिसन कैंडिडेट 1 सिग्नल था ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे क्यों एलियन का सिग्नेचर माना जा रहा है। फिर हमने देखा कि पाराक्सिमा सेंचुरी में क्यों लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारा नज़दीकी तारा है उसके बारे में, अल्फा सेंचुरी के बारे में, अल्फा सेंचुरी बी के बारे में। उसके बाद हमने जाना कि एलियन टेक्नो सिग्नेचर क्या होता है, हमने ये जाना कि क्यों इसको माना जा रहा है कि ये सबसे भिन्न है, ये प्राकृतिक या मानव निर्मित नहीं है, तो क्यों नहीं है इसके बारे में भी हमने जाना। ये एक नैरो बैंड था जो 982 मेगाहर्ट्ज़ था, तो ये सब हमने जाना। तो चलिए आप वीडियो देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सभी ग्रुप में शामिल करें, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो जो भी ग्रुप है इसमें शामिल करें, और उस शामिल करने के साथ ही आप बोलें कि इसका प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइबर करें, क्योंकि जैसे ही आप हमारा सब्सक्राइब करेंगे उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अस्थायी रूप से आपको इस तरह से ज्ञान मिलेगा, क्योंकि फिर हमको किसी पर
इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, किसी कोचिंग पे नहीं होंगे जो कहेगा कि भाई सर आप तो सारे चीज पढ़ा दे रहे हैं तो हमारा कोचिंग कैसे चले। तो ऐसी स्थिति ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, आपका हर कंपटीशन में ये सारी चीजें काम आएगी और ये पूछा ही जाता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।